बात करेंगे जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा की शक्ति रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज का मरम्मत काम पिछले 2 साल से किया जा रहा है। रेलवे विभाग ने दावा किया है कि 9 तारीख तक एफओबी का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा, मगर ठेकेदार और रेलवे विभाग के अधिकारी आधा अधूरा कार्य छोड़कर चले गए। फुटओवर ब्रिज पर लगे पत्थर हिल रहे हैं। फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते यात्री कई बार अनबैलेंस होकर गिर रहे हैं। आधे अधूरे फुटओवर को पार करते हुए दुर्घटना का डर सता रहा है। सवाल ये है कि आधे अधूरे फुटओवर ब्रिज को छोड़ यात्रियों को क्यों मुसीबत में डाला जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रवि गोयल जुड़ गए हैं। रवि, फुटओवर ब्रिज का जो कार्य है उसका दावा तो किया जा रहा है पर अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है, और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब यात्री वहां से गुजर रहे हैं तो अनबैलेंस हो रहे हैं, किसी भी वक्त तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कहना है जिम्मेदारों का? जी हाँ बिल्कुल, ये शक्ति रेलवे स्टेशन में एक बार फिर जो है रेलवे विभाग की पूरी लापरवाही देखी है। जी, रेलवे विभाग द्वारा यहाँ फुट ओवरब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है, ये पिछले 2 हफ्ते से इनका निर्माण चल रहा है। इनका कहना था कि 9 तारीख को जो है ये कम्प्लीट कर दिया जाएगा। इससे पहले जो है यात्री करीब 10 दिन तक जो है रेल लाइन पार करके जो है वहाँ पर जो है दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है फुट ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया था। अब जो है आधा अधूरा काम करके जो है छोड़ दिया गया है और जो फुट ओवरब्रिज को खोल दिया गया है, तो यात्री उसमें से जो है चढ़ के जा रहे हैं, तो जो फुट ओवरब्रिज में बड़े बड़े पत्थर लगाए वो भी जो है फिक्स नहीं है, जिसके कारण जो यात्री चढ़ रहे हैं वो पत्थर हिलने की वजह से अनबैलेंस होकर गिर जा रहे हैं। तो फिर से जो है रेलवे प्रशासन की ये दोबारा जो है वहाँ बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराया गया था, उस समय भी उन्होंने दावा किया था कि जल्द ही जो है कार्य पूरा कर लिया जाएगा और जो यात्री है उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा, लेकिन उनको लगता है कि यात्रियों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए फिर से जो है उनकी बड़ी लापरवाही यहाँ शक्ति रेलवे स्टेशन में देखने के लिए मिला है। जी, रेलवे स्टेशन की तो एक बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं। रवि, जो ठेकेदार है उसका क्या कुछ कहना है, क्यों ये लापरवाही बढ़ती जा रही है? जी, हम जब मौके पर गए थे उस समय तो वहाँ ना कोई ठेकेदार था, ना कोई विभाग का जो इंजीनियर हुआ होना चाहिए वो थे, ना कोई मजदूर थे। वहाँ कुल मिला के जो आधा अधूरा काम छोड़ के सारे के सारे जो ठेकेदार है, मजदूर है, जो अधिकारी, वो सब के सब वहाँ से नदारद हो गए थे। वही हमने स्टेशन मास्टर से। अभी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया गोयल हमारे साथ में जुड़ गया है। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैडम जी, थैंक यू जी। जांजगीर चांपा से मामला सामने आया है जहां फुटओवर ब्रिज के मरम्मत का काम ठेके पर दिया गया था, जिसके बाद उसकी हालत ऐसी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैडम जी, रेलवे प्रशासन बहुत लापरवाही कर रहा है। 9 मार्च डेडलाइन तय की गई थी फुटओवर ब्रिज की, और 9 मार्च तक काम कंप्लीट नहीं हुआ और इन्होंने अधूरे काम को चालू कर दिया, जिससे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग गिर रहे हैं, स्लैब को ऐसा रख दिया गया कि बहुत डेंजर स्थिति में आज की स्थिति में वो। जी, तो क्यों रेलवे विभाग की कंप्लेन नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। रेलवे प्रशासन के उच्च अधिकारियों को हमने कई बार अवगत कराया, DRM और DGM कई बार बात हुई, उन्होंने ये कहा कि समय अवधि में कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक काम पूर्ण नहीं हुआ है। जी, चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि कई बार इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन की जा चुकी है पर बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में मास्टर